गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हमारे सबके जीवन में आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज गुरु पूर्णिमा है। और आज इस पावन अवसर पर मैं आपको एक छोटा सा मैसेज गुरु पे देना चाहता हूँ। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। साथियों, हमारे जीवन का सबसे पहला जो गुरु होता है वो हमारे माता पिता होते हैं, जो इस दुनिया में आने के बाद हमें ये दुनियादारी समझाते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, हमें खाना सिखाते हैं, हमें सोना सिखाते हैं। उसके बाद गुरु होता है हमारा शिक्षक, जो हमें पढ़ाता है, लिखाता है और किसी काबिल बनाता है कि हम किसी काबिल बन सकें। और तीसरा जो हमारा गुरु होता है वो होता है हमारा मेंटर। जिस भी प्रोफेशन में हम हैं उसमें वो हमारा गुरु जो उस प्रोफेशन में हमें कामयाबी तक पहुंचाता है। आज गुरु पूर्णिमा है। हम सबके लिए गुरु एक साधारण सा शब्द हो सकता है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से मैं कहूं या मेरी सोच से, गुरु हमारे शरीर की आत्मा है। गुरु एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी जिंदगी का है कि अगर हम इस गुरु शब्द के मायने समझ लें तो जिंदगी में कभी हार नहीं सकते और जिंदगी में जो चाहे हम पा सकते हैं। दोस्तों, गुरु आदरणीय होता है, गुरु अनुकरणीय होता है। इस दुनिया में बड़े से बड़े लोगों को हमेशा गुरु की आवश्यकता पड़ी। अगर हम बात सचिन तेंदुलकर की करें तो उनसे भी कोच अचरेकर जी चाहिए तो उनके गुरु थे। सचिन बहुत अच्छे क्रिकेट खेलता था, लेकिन उसको कैसे खेलना है और किस बॉल को कैसे खेलना है वो बताने वाले उनके गुरु थे। कोई बहुत बड़ा बॉक्सर हो सकता है, लेकिन उसे टेक्निक सिखाने वाले उनके गुरु होते हैं। तो दोस्तों, आज जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी हमारा एक गुरु होता है, हमारा अपलाइन होता है, हमारा मेंटर होता है। लेकिन गुरु वो होता है, गुरु सीनियर होने से नहीं होता। गुरु वो होता है जिसको जनता एक्सेप्ट करे कि ये मेरा गुरु है। और जनता किसे गुरु मानती है? अगर आप आज आध्यात्म में चले जाएं या दुनियादारी में देखें, जिन ऋषि मुनियों को आपने गुरु माना है, उनके व्यक्तित्व को आप देखें तो उनके व्यक्तित्व में आपको दान दिखा होगा, दमन दिखी होगी, दया दिखी होगी। एक ऐसा व्यक्तित्व दिखा होगा कि जहां आपको ईश्वर का स्वरूप नजर आता होगा कि हमारा गुरु बहुत ईमानदार है, बहुत सच्चा है। दोस्तों, गुरु कहने भर से कोई आपका गुरु नहीं होता। आप कितना मानते हो, आप अपने गुरु को कितना फॉलो करते हो, आप अपने गुरु पे कैसा विश्वास करते हो, वहां से हमारी गुरु भक्ति साबित होती है। दोस्तों, गुरु पे अंधा विश्वास जो व्यक्ति करता है उसे गुरु जरूर तार देता है, वो जरूर इस जीवन में तर जाता है और जो चाहे वो पा लेता है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज मेरे जीवन में मैं जो भी कुछ हूं अपने गुरुओं की वजह से हूं। मेरे जीवन में ऐसे गुरु आए जिन्होंने मुझे इस दुनिया से रूबरू कराया, इस प्रोफेशन में बहुत काबिल बनाया, जिंदगी के मायने सिखाए, तो आज मैं यहां तक पहुंचा। और आज मेरे साथ इस सफर में लाखों लोग जुड़े और वो भी अपनी मंजिलें प्राप्त कर रहे हैं। इसका कारण मैं नहीं हूं, मेरे गुरु हैं। अगर मुझे अपने जीवन में वो सच्चे गुरु ना मिले होते तो दोस्तों आज मैं यहां नहीं होता। इसलिए जिंदगी में हम सबके अंदर गुरु छुपा भी हुआ है। जिस दिन हम वो व्यक्तित्व हासिल कर लेंगे जो एक सच्चे और अच्छे इंसान का होता है, तो हम सब भी किसी के गुरु बन सकते हैं। और जिस दिन वो व्यक्तित्व हमें मिल जाएगा, हम सब किसी को अपना गुरु मान सकते हैं, बना सकते हैं और गुरु के अनुसरण करके, गुरु की बातें मान के अपने जीवन की बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर, गुरु हमें रास्ता दिखाता है, गुरु हमें चलना सिखाता है, गुरु हमें मंजिलें प्राप्त कराता है। गुरु बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है दोस्तों, और आज का दिन गुरु पूर्णिमा है। और इससे बड़ा दिन शायद मैं मानता हूँ मेरी जिंदगी में या किसी भी आम इंसान की जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तो आज के दिन के लिए फिर आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आपको सबको फिर एक बार प्रणाम।